अगर आप भी मेरी तरह एक CSE ले लिए और CSE में जो ई श्रम कार्ड की सर्विस आई थी अगर आपने उस पर कार्य किया है तो दोस्तों अब आपको चूना लगने वाला है। चूना किस चीज़ का लगेगा इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे, तो दोस्तों वीडियो में बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ में लगे बेल आइकन घंटी को भी प्रेस करके रखिए ताकि आने वाला नया नया अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले कुछ स्क्रीनशॉट दिखाना चाहेंगे, जिन वेली भाइयों को चूना लग चुका है उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये कुछ इस तरह के स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो इनको चूना लगा है, डेट दी गई है किस डेट में इनको चूना लगाया गया है CSE की तरफ से, वो डेट 14 दिसंबर है 2020। टाइम भी दे रखा है 19:29:17 पे, और ट्रांजैक्शन टाइप में दिया गया है चार्जेस बैक रिकवर, और इनका जो पेमेंट है डिजिटल सेवा पोर्टल सर 1000 रुपये काट लिए गए हैं CSE की तरफ से, और नीचे रिमार्क में दिया गया है ई श्रम कार्ड रिकवर। काफ़ी वेली भाइयों का इसी तरह से पैसा काट लिया गया है डिजिटल सेवा पोर्टल से। अगर आपने भी ई श्रम में कार्य किया है तो दोस्तों जल्दी से अपना डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन कीजिए और देखिए कि आपको कितने पैसे का चूना लगाया है CSE ने। CSE की मनमानी होगी, जब भी चाहे वो कितना भी अमाउंट आपके डिजिटल सेवा पोर्टल से काट सकती है। तो जब ये जानकारी हमने अपने DM डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से ली तो उन्होंने बताया कि जो ये पेमेंट कट रहा है ये ई श्रम कार्ड की जो पेनल्टी लगाई गई है वेली भाइयों पे, उस पेनल्टी का पेमेंट कट रहा है उनके डिजिटल सेवा पोर्टल से। तो दोस्तों जब डिजिटल सेवा पोर्टल से CSE पेमेंट काट रही है, वेली ने काम किया, उसको उसका कमीशन जितना भी मिला मिल गया, लेकिन एक वर्ष के बाद दोस्तों, एक साल के बाद जो है CSE उनके डिजिटल सेवा पोर्टल से पेमेंट काट रही है, ये CSE की अच्छी बात नहीं है। कितनी पेनल्टी लगी है CSE की तरफ से ई श्रम कार्ड का कार्य करने पर, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।